जब भी कभी हमें हल्का फुल्का खाने का मन होता है तो इडली का नाम सबसे पहले आता है। तो इसी वजह से आज हम आपके लिए बहुत ही जल्दी बनने वाली ये रवे की इडली लेके आए हैं, जो कि टेस्टी तो होती है और साथ में बहुत ही हेल्दी होती है और बहुत ही कम समय में बन जाती है। रेसिपी शुरू करने के पहले यदि आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने 2 कप रवा लिया है, फिर इसमें 1 कप हम दही लेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। फिर इसके बाद हम 3/4 पानी इसमें डाल करके इसको मिक्स करेंगे। 3/4 का मतलब आधे कप से थोड़ा ज़्यादा और 1 कप से थोड़ा सा कम। फिर इसे अच्छे से मिलाने के बाद हम इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। फिर आइए हम सांभर बनाने की तैयारी करते हैं। सांभर बनाने के लिए यहाँ हमने कैप्सिकम लिया है, गाजर लिया है, प्याज, टमाटर और करी पत्ती और तुअर दाल जो है, जिसे हम अरहर दाल भी बोलते हैं, इसे हमने धो करके भिगो दिया है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो यहाँ हमने कुकर लिया और कुकर में थोड़ा सा तेल डाला। तो सबसे पहले हमें क्या करना है ना, इन सारी सब्जियों को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि फ्राई करने से ना सब्जी का एक अलग सा टेस्ट आ जाता है। तो सबसे पहले यहाँ हम सब्जियों को फ्राई करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें टमाटर को नहीं डालना है अभी, टमाटर हम बाद में डालेंगे। यहाँ हम सब्जियों को थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें जो हमने दाल धुल करके भिगो के रखी थी ना, उस दाल को भी डाल लेंगे और इसे भी हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। अब यहाँ पे हम टमाटर ऐड कर देंगे और करीब 1.5 कप हम पानी डाल देंगे और कुकर को हम बंद कर देंगे और फिर हम 3-4 विसल्स आने का वेट करेंगे। यहाँ हमारे 3-4 विसल्स आ गए हैं। अब कुकर को हम ठंडे होने के लिए थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं। जब तक हमारा विसल खुल रहा है तब तक हम इडली बना लेते हैं। इडली बनाने के लिए हमने सबसे पहले इडली का सांचा लिया और उसमें हमने पानी डाल दिया है। पानी डाल करके जो इडली का मोल्ड था उसको अच्छे से तेल से ग्रीस कर लिया है और यहाँ हमारा इडली का जो बैटर है अभी थोड़ा सा थिक दिख रहा है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे थोड़ा सा और पानी मिक्स किया है। अब जो है हमें इसमें जो है इनो डालना है। तो इनो डालने के लिए एक्चुअली हमारा बैटर जो है, जो मैंने बनाया, बहुत ही कम है। यदि आप ज़्यादा क्वांटिटी बनाते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा अलग एक बाउल ले करके उसमें निकालते हुए और साथ में तब आप इनो को डालिए और बनाइए, फिर से नया बैटर ले करके फिर से उसे इनो डाल करके घोल करके फिर से उसका इडली बनाएं, एक साथ इनो ना डालें। ये देखिए हमारा जो बैटर है कितना फ्लफी दिखने लगा है। अब इसके बाद जो हमने बैटर बनाया था इसको इडली मोल्ड में ऐसे डाल देंगे। ये बहुत ही फ्लफी बनता है, आप इसे जरूर ट्राई करके देखना। और ये इतना जल्दी बन जाता है ना, कभी आपके घर गेस्ट भी आए और आपको बनाना है तो ये फटाफट बन जाता है। यहाँ देखिए हमारा पानी अब उबल गया है, जो हमारा इडली का मोल्ड था उसको हम इसमें डाल देंगे और इसे कवर कर देंगे और 10 मिनट वेट करेंगे। 10 मिनट हो गया है और अब हम एक चाकू की मदद से इसे चेक करते हैं कि हमारा इडली पका है या नहीं। अगर हमारे चाकू में कुछ मतलब कि बैटर नहीं लगा है, इट मीन्स आपका इडली बन के तैयार हो गया है। अब हम इडली को बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारा इडली कितना अच्छा तैयार हो गया है, कितना फ्लफी दिख रहा है। मैं आपको एक और निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ही अच्छा बना है। अब हमारी इडली तैयार हो गया है। अब हम लोग सांभर को चेक कर लेते हैं। हमारा सांभर अब खुल गया है और अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। अभी हमने पानी कम डाला है तो इसलिए हमें यहाँ पे जो है गर्म पानी का ही यूज करना है। और यहाँ हमने 1.5 चम्मच सांभर मसाला डाल दिया और टैमरिन वाटर, इमली के पानी का रस, इसे भी हमने डाल दिया।
और जब तक हमारा सांभर गरम हो रहा है इधर उसका तड़का तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ तेल डाला है, उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड सीड मतलब राई को डाला है, फिर उसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली है और करी पत्ती, थोड़ा सा हींग डालेंगे और फिर हम इसका एक तड़का तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमारा तड़का तैयार है। अब इसमें हमें लाल मिर्ची का पाउडर डालना है, पर लाल मिर्ची का पाउडर हमें गैस पे रख के नहीं डालना है, उसको हटा करके तब डालेंगे, नहीं तो क्या होगा, ये मिर्ची पाउडर जो है वो जल जाएगा। हमने लाल मिर्ची पाउडर डाल करके इसका तड़का तैयार कर लिया, अब इसे सांभर में डाल देंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है ना, बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। अब इसे आपको सर्व करके दिखाते हैं। अब हमारा इडली सांभर दोनों तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।